Namaskar everyone, welcome to this session. Today we will discuss about therapeutic diet or diet therapy, जिसको हम उपचारात्मक पोषण या आहार चिकित्सा कहते हैं, यानी भोजन के द्वारा बीमारियों को ठीक करने की चिकित्सा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायु और जल के बाद भोजन किसी भी जैविक प्राणी या मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता होती है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, पौष्टिक तत्व मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर की विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। बट कभी कभी हमारा शरीर जो है वो सामान्य स्थिति से बीमारी की स्थिति में आ जाता है और हमारी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है वो भी चेंज हो जाती है। बीमारी की अवस्था में शरीर सामान्यतया उसकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाती है और भोजन को पचाने में दिक्कतें आती हैं। तो आज हम विशेष रूप से पढ़ेंगे थेरेपेटिक डाइट या डाइट थेरेपी के बारे में, जिसमें आज के हमारे जो कंटेंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट, परिभाषा, पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट, उपचारात्मक आहार के उद्देश्य क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट, सिद्धांत, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ थेरेपेटिक डाइट, उपचारात्मक आहार के महत्ता, टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट, उपचारात्मक आहार के प्रकार और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन। ऑल सॉलिड एंड लिक्विड फूड विच इज ईटन और ड्रंक बाय इजीली डाइजेस्टेबल बाय द बॉडी गिव्स एनर्जी एंड हीट, प्रमोट्स ग्रोथ, रिपेयर टिश्यूज एंड नरिशेज आर बॉडी इज कॉल्ड डाइट। वह सभी ठोस और तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं या पीते हैं, जो खाने योग्य होते हैं, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती रहे और जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करता हो, वो भोजन कहलाता है। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। फूड नरिशेज द बॉडी। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। डेफिनेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट, उपचारात्मक पोषण की परिभाषा। थेरेपेटिक डाइट और डाइट थेरेपी इज द यूज ऑफ फूड एज एन एजेंट इन इफेक्टिंग रिकवरी फ्रॉम इलनेस। थेरेपेटिक डाइट इज कंसर्न विद द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस एंड प्रेस्क्राइबिंग द राइट टाइप ऑफ डाइट फॉर देम। उपचारात्मक आहार और आहारीय चिकित्सा पद्धति वह पद्धति है जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो। उपचारात्मक आहार विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित रोगियों की रोग तथा पोषण की आवश्यकता एवं शारीरिक मांग के अनुरूप होना चाहिए, वो उपचारात्मक भोजन कहलाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ए मेडिकल कंडीशन एंड आर नॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड बाय ए फिजिशियन एंड प्लान्ड बाय ए डाइटिशियन। ये रोगी को बीमारी की अवस्था में दिए जाने वाले उपचार का ही एक भाग होता है, जो कि सामान्यतया फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और डाइटिशियन के द्वारा प्लान किया जाता है। वॉट इज थेरेपेटिक डाइट? थेरेपेटिक डाइट क्या है? थेरेपेटिक डाइट प्लान्ड डाइट है, यानी एक सुनियोजित आहार है जिसको व्यक्ति की शारीरिक मांग यानी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, रोग की अवस्था, कंडीशन ऑफ डिजीज उसकी क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके और प्लान किया जाता है। इट्स ए मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट। ये सामान्य भोजन का एक रूपांतरित रूप है, जिसमें हम डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कम मिर्च मसालेदार भोज्य पदार्थ ले सकते हैं, या लो शुगर वाला खाना ले सकते हैं, लिक्विड डाइट ले सकते हैं, सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट ले सकते हैं, शुगर फ्री डाइट ले सकते हैं। तो इस तरह से डाइट, नॉर्मल डाइट जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन या रूपांतरण करके थेरेपेटिक डाइट बनाया जाता है। इट इज ए प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर एंड प्लान बाय ए डाइटिशियन। इसको किसी भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो भी रोगी की अवस्था होती है, जो भी उसकी बीमारी होती है उसके हिसाब से, और डाइटिशियन जो है उसको प्लान करते हैं कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से
उसके टाइमिंग्स एंड उसकी फ्रीक्वेंसी एंड उसके इकोनॉमिक स्टेटस, उसके हिसाब से डाइटिशियन उसको प्लान करते हैं और अवेलेबल सोर्सेज के हिसाब से. यूज्ड एज ए सप्लीमेंट ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट. इसको मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ डाइट को एक पूरक के रूप में काम में लिया जाता है. मतलब ये मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ बीमारी को ठीक करने में इसके उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है. रिमूविंग और एडिंग फूड. इसके अंदर कुछ भोज्य पदार्थों को रिमूव करना होता है यानी हटाना होता है और कुछ भोज्य पदार्थों को ऐड करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल डायरिया के अंदर, डायरिया यानी कि दस्त हो जाना या अतिसार हो जाना, इसमें लो फाइबर डाइट देते हैं, जबकि कॉन्स्टिपेशन के अंदर हाई फाइबर डाइट दी जाती है. क्योंकि डायरिया के अंदर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी यानी आंतों की जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जबकि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के अंदर आंतों की गति धीमी पड़ जाती है, तो इसलिए हाई फाइबर डाइट दी जाती है. चेंज न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स कैलोरी कंटेंट एंड टेक्सचर. पोषक तत्व कैलोरी मूल्य और भोजन की प्रकृति में बदलाव किया जाता है, यानी उसकी लिक्विड डाइट या सॉफ्ट डाइट या सॉलिड डाइट के हिसाब से उसको दिया जाता है. जितनी कैलोरी की आवश्यकता पेशेंट को होती है उसी के हिसाब से उसके न्यूट्रिएंट्स उसको दिए जाते हैं कि रिच प्रोटीन डाइट की जरूरत है या हाई कैलोरी या लो कैलोरी उस हिसाब से. इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी वैल्यूज. ऊर्जा मूल्यों को बढ़ाया या कम किया जा सकता है. जैसे फीवर में पेशेंट को हाई एनर्जी डाइट की ज़रूरत होती है यानी हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है, जबकि लो जबकि डायबिटीज़ के अंदर लो शुगर डाइट दी जाती है. फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक एंड हेल्थ कंडीशंस. जो पेशेंट है उसकी आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार डाइट के अंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं. जैसे जो डाइट एक मोटे व्यक्ति को दी जा सकती है वो पतले व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है, और जो उसका इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसके हिसाब से भी ध्यान रखना पड़ता है डाइट का कि वो कितना मनी उसके अंदर अफोर्ड कर सकता है. नेक्स्ट इज पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट. पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द थेरेप्यूटिक डाइट आर टू रिमूव स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस. जो विशेष बीमारी हो गई है पेशेंट को या क्लाइंट को, उसकी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना, टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसके पोषण के स्तर को उच्चतम बनाए रखना, इंक्रीज और डिक्रीज बॉडी वेट, शारीरिक वजन को कम करना है या बढ़ाना है, टू इंक्लूड और एक्सक्लूड सर्टेन एलर्जिक फूड्स. कुछ ऐसे फूड जो कि एलर्जी करते हों उनको डाइट के अंदर से हटाना है, टू मॉडिफाई द इंटरवल्स ऑफ फीडिंग. भोजन के अंतराल में परिवर्तन करना यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार भोजन देना, टू प्रोवाइड रेस्ट टू द बॉडी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स. पोषक तत्वों के चयापचय हेतु शरीर को आराम देना ताकि दिए गया भोजन जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी. GIT ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार की इंजरी ना हो इसके लिए थेरेप्यूटिक डाइट दी जाती है. जैसे पेप्टिक अल्सर के अंदर हमेशा नॉन स्पाइसी फूड या कम मिर्च मसालेदार भोजन दिया जाता है ताकि जो आते हैं उनको कम काम करना पड़े, टू इम्प्रूव द ईटिंग कैपेबिलिटी ऑफ पेशेंट और रोगी की खाना खाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट. थेरेप्यूटिक डाइट के प्रिंसिपल्स या उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत. द डाइट मस्ट बी प्लान अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट्स ऑफ द पेशेंट बेस्ड कल्चर रिलीजन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर्सनल रेफरेंसेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस हंगर एंड एपिटाइट. थेरेप्यूटिक डाइट पेशेंट की शारीरिक और मानसिक स्थिति, उसकी भोजन संबंधी आदतें, उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत पसंद नापसंद और भूख इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. द डाइट मस्ट बी प्लान अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट
टू करेक्ट डेफिशिएंसीज और डिजीजेस। आहार रोगी की पोषण की आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए ताकि बीमारियों और कमियों को ठीक किया जा सके। एज फार एज पॉसिबल चेंज इन द डाइट शुड बी ब्रॉट ग्रेजुअली एंड एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन आर गिवन टू द पेशेंट। जहाँ तक हो सके डाइट में धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए और पेशेंट को इसके आहार के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए। स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट फीड आर प्रेफर्ड। देयर शुड बी वैरायटी ऑफ फूड। हॉट फूड शुड सर्व हॉट एंड कोल्ड फूड शुड बी सर्व कोल्ड। थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल पर भोजन देना चाहिए। भोजन में विभिन्नता होनी चाहिए। हॉट गर्म खाना हमेशा गर्म ही परोसा जाना चाहिए और ठंडा खाना ठंडा ही सर्व किया जाना चाहिए ताकि पेशेंट को खाने में मजा आए और वो इंटरेस्ट लेकर के भोजन को खा सके। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ थेरेपेटिक डाइट। उपचारात्मक पोषण की महत्ता। दीज आर यूजफुल इन मैनेजिंग डाइट। वेरी यूजफुल थेरेपेटिक डाइट इज वेरी यूजफुल टूल फॉर मैनेजिंग डिजीजेस बिकॉज इफ यू विल नॉट गिव द प्रॉपर डाइट सिकनेस इज प्रोलॉन्ग टू मोर लॉन्गर पीरियड। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ थेरेपेटिक डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि अगर आप सही तरीके से डाइट नहीं देंगे तो जो बीमारी है वो बहुत लंबे समय तक चल सकती है। प्रिवेंशन और सप्लीमेंटल ट्रीटमेंट। डाइट कैन बी यूज्ड आइदर डिसऑर्डर लाइक ओबेसिटी। टेक ए एनर्जी बैलेंस डाइट यू कैन प्रिवेंट ओबेसिटी। ये एक प्रिवेंशन के रूप में और एक सप्लीमेंट के रूप में भी काम करती है। अगर सही तरीके से डाइट लेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को रोका जा सकता है और ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट एक सप्लीमेंट का काम कर सकती है। प्रमोट ग्रेटर रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक कंडीशंस। फूड शुड बी रिच इन प्रोटीन विटामिंस एंड मिनरल्स सो पेशेंट कैन रिकवर वेरी फास्ट। भोजन इस प्रकार का होना चाहिए जो पेशेंट की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, यानी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, विटामिंस उसमें भरपूर मात्रा में पाए जाएं, मिनरल्स यानी खनिज लवण उसमें प्रॉपर भरपूर मात्रा में पाए जाएं ताकि पेशेंट जो है वो जल्दी से जल्दी बीमारी से ठीक हो सके। टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट और डिफरेंट मेथड्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ फूड। उपचारात्मक पोषण के क्या प्रकार हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम फूड को चेंज कर सकते हैं, एक नॉर्मल डाइट को थेरेपेटिक डाइट बना सकते हैं। इसमें ब्लाइंड डाइट जो कि और नॉन स्पाइसी, इस प्रकार का जो फूड है ये बिल्कुल सादा भोजन होता है। ये एक तरीके से रेगुलर डाइट होती है। रेगुलर डाइट में नॉन स्पाइसी होता है, यानी मिर्च मसाले कम डाले जाते हैं इसके अंदर। और इसमें फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग टी और कॉफ़ी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अंदर मोस्टली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो कि लो फैट वाले या फैट फ्री होना चाहिए, ब्रेड ले सकते हैं और राइस ले सकते हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो उसकी आंतें होती हैं, GIT ट्रैक्ट होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो इस प्रकार के पेशेंट्स को हमेशा ब्लैंड डाइट यानी कि सादा भोजन दिया जाता है ताकि वो आसानी से पचा सकें। लिक्विड डाइट, इट इज़ यूज फॉर आफ्टर सर्जरी, एक्यूट इन्फेक्शंस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे वॉमिटिंग्स और डायरिया। ये लिक्विड डाइट्स जो हैं वो ज़्यादातर सर्जरी के बाद दी जाती हैं और या फिर बहुत ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शंस हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, जो पाचन संबंधी रोग जिसमें वॉमिटिंग्स हो सकती है, डायरिया हो सकता है, तो पेशेंट को बिल्कुल लिक्विड डाइट दी जाती है। सॉफ्ट डाइट एक तरीके से रेगुलर डाइट का ही एक रूप होता है, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो सॉफ्ट होती है ताकि वो इजीली पेशेंट उसको चबा सके, इजीली डाइजेस्टेबल हो। ये भी एक्यूट इन्फेक्शंस और GIT डिसऑर्डर्स के लिए दिया जाता है या स्पेशली जिनके दांतों का कोई ट्रीटमेंट हुआ हो, जैसे रूट कैनाल हुआ हो या दांत निकलवाया हो, तो इस तरीके की जब भी प्रॉब्लम हो तो उसमें सॉफ्ट डाइट हमेशा दी जाती है और इसके अंदर फाइबर बहुत कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। डायबिटिक डाइट
ये लो शुगर डाइट होती है, ये विशेष रूप से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाना चाहिए। इसके अंदर या तो शुगर की मात्रा बहुत कम रखी जाती है या फिर रखी नहीं जाती है, ये डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ की सीवियरिटी क्या है। हाई प्रोटीन एंड कैलोरी प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन एंड कैलोरी प्रोटीन डाइट, इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। कुछ स्थितियों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है, जैसे फीवर के अंदर या पेशेंट अगर कोई बर्निंग का पेशेंट है या फिर कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है तो उसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट्स जो है उसको दिया जाता है। उसके लिए मिल्क और मिल्क से बने हुए पदार्थ और एग भी दे सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है और टूट फूट की मरम्मत करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हाई फीवर हो किसी को तो उसमें हमेशा कम प्रोटीन वाला भोजन यानी कि लो प्रोटीन डाइट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज हाई फाइबर एंड लो फाइबर डाइट। हाई फाइबर एंड लो फाइबर डाइट, जैसे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज अगर किसी को हो जाए तो उसको हमेशा हाई फाइबर डाइट दिया जाना चाहिए ताकि वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा सके। और जिनको डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, या जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं या दूसरी कोई पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ हो जाती है तो उसमें हमेशा कम फाइबर वाला डाइट दिया जाना चाहिए यानी ताकि पचाने में आसानी हो। नेक्स्ट इज हाई कैलोरी एंड लो कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट और लो कैलोरी डाइट, ये जो जिनको प्रोटीन कैलोरी कुपोषण की शिकायत होती है उन पेशेंट्स को हमेशा हाई कैलोरी डाइट दी जानी चाहिए, या इन्फेक्शंस हो जाए या फीवर हो जाए या लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमेशा हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए। जबकि जो पेशेंट जिनको मोटापा हो, हाई बीपी हो, डायबिटीज़ हो, उनको हमेशा लो कैलोरी डाइट देनी चाहिए। नेक्स्ट इज सोडियम लेस डाइट। सोडियम लेस डाइट जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है या हार्ट डिजीज़ होती है या किडनी की प्रॉब्लम्स होती है उनको सोडियम लेस डाइट देनी चाहिए। लेकिन जिनको बहुत कम लो ब्लड प्रेशर हो जिनका, तो लो ब्लड प्रेशर वाले को हम सोडियम ज़्यादा दे सकते हैं, नमक की मात्रा ज़्यादा दे सकते हैं। हाई फैट एंड लो फैट डाइट, हाई फैट डाइट एंड लो फैट डाइट। हाई फैट डाइट जिनका वजन बढ़ाना हो उनको हाई फैट डाइट दिया जा सकता है, जैसे छोटे बच्चे हो, ग्रोइंग एज के बच्चे हो और वो अगर बहुत वीक हो, उनका वजन अगर कम हो तो उनको हम हाई फैट डाइट दे सकते हैं। लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या जिनका वजन बढ़ा हुआ होता है या जिनकी पाचन क्षमता कमज़ोर होती है तो उनको हमेशा लो फैट डाइट देनी चाहिए। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हमेशा हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है, जो हृदय रोगी होते हैं उनको लो कोलेस्ट्रॉल डाइट दी जाती है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। डाइट इज एन इम्पॉर्टेंट एज मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। डाइट किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी की मेडिसिन होती है। मॉडिफिकेशन इन द डाइट और इन द न्यूट्रिएंट्स कैन क्योर सर्टेन डिजीजेस। डाइट के अंदर और पोषक तत्वों के अंदर मॉडिफिकेशन यानी कि उनमें बदलाव करके या उनमें रूपांतरण करके काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर नीड्स ए ब्लैंड डाइट फॉर रिकवरी एंड ए सॉल्ट फ्री डाइट कैन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पेशेंट विद हाइपर टेंशन। उदाहरण के लिए पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स को रिकवरी के लिए ब्लैंड डाइट यानी सादा भोजन की जरूरत होती है, यानी मिर्च मसाले रहित भोजन की ज़रूरत होती है। और जबकि ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनको नमक, बिना नमक वाले भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। इट कैन बी ए वेरी यूजफुल टूल फॉर रिकवरी एंड सो मैनी डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स कैन बी क्योर एंड प्रिवेंटेड बाई गिविंग ए गुड थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है और अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए
तो काफ़ी बीमारियां और डिसऑर्डर्स जो हैं वो थेरेपेटिक डाइट से ठीक हो सकते हैं। आज के सेशन में